हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेडी आईस अकेडमी। जेडी आईस अकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे वी विल न्यू सीरीज स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएससी उसमें कई चरण से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक होते हैं, तो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स पार्ट्स होता है वो एक अलग पार्ट होता है। उसमें से चीज़ों को निकालना बहुत टफेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट्स के, चाहे एनवायरनमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिकल हो, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए कैसे निकलते हैं, कैसे उसका सब्जेक्ट के साथ इंटरफेयर होता है, वो यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं। और डेली हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चंस, जैसे प्रीलिम्स के लिए जो आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और इकोनॉमी, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो हम लेकर के यहाँ पर नई सीरीज के साथ चलते हैं। तो जैसे आज का जो द हिंदू है, आज के द हिंदू में साइंस टेक्नोलॉजी में जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होता है उसमें हिग्स बोसान आया है। अब हिग्स बोसान क्या है, केवल आपको प्रीलिम्स में इतना देखना है हिग्स बोसान उसकी डिफिनीशंस के साथ, और उसमें जो यह सब्जेक्ट भी हो गया, करंट भी हो गया, उसका जितना भी पार्ट है यहाँ पर है। तो हिग्स बोसान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। और आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये आप टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हिग्स बोसान यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चंस उठाएगा इस पार्ट से निकल करके आएगा, क्योंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और ऐसे ही हमको पूरे साल भर लेकर के चलना है, पूरे साल भर में जब भी बात होगी तो इसी तरीके से हम लेकर के चलेंगे, ताकि चीज़ों को जो है बेहतरीन ढंग से कवर कर सकें। तो साइंस से इसी तरीके से जो क्वेश्चंस बनेंगे साइंस से ऐसे ही बनेंगे, करंट भी और सब्जेक्ट भी दो के दोनों टच रहेंगे। तो यहाँ जो हिग्स बोसान है उसके विषय में जो बात की जाए, हिग्स बोसान क्या है, हिग्स बोसान को कैसे आप डिफाइन करोगे। हिग्स बोसान फ्रेंड्स वो एक प्रकार का कण होता है, और ये कण एक ऐसा होता है कि जिसमें, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कणों का जो भार होता है, फोटॉन वो द्रव्यमान नहीं है, तो इन तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो इन सबके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। अब इस द्रव्यमान का कारण क्या है, यही कारण जो है वो कारण हिग्स बोसान में आता है। हिग्स बोसान के चलते ही, यानी कि एक तरीके से ये सब जो कण हैं, इन सब कणों के जो द्रव्यमान होते हैं, उस द्रव्यमान का कारण क्या होता है, वो कारण कैसे आप फील्ड में अनुभव कर सकते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हिग्स बोसान होता है। और इसीलिए ये एक प्रकार का जो बोसान है, एक बलवाहक उपपरमाणविक कण है। बलवाहक का मतलब कि ये जो उपपरमाणविक है, यहाँ पर जो बलवाहक लिखा हुआ है, बलवाहक का मतलब कि ये फोर्स के साथ जो कण होता है उसके साथ लेकर के ये चलता है। अर्थात जो आर्टिकल होते हैं उपपरमाणविक कण होते हैं, वो उपपरमाणविक कण के साथ ये फोर्स को लेकर के चलता है। अब यहाँ पर जो कहने का जो सेंस है वो ये है कि इस पर जितना द्रव्यमान है, इस कण पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, जितना ज़्यादा द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान कहाँ से आया, और उस वो कण जब चलता है एनर्जी के फील्ड में, यानी कि जहाँ एनर्जी फील्ड आती है, एनर्जी फील्ड में वो गो करता है इस तरीके से, तो उस जाने के लिए कोई न कोई यहाँ पर फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन को इस स्थान से इस स्थान में जाने के लिए फोर्स चाहिए, और वो फोर्स जिसकी वजह से आया वो फोर्स हिग्स बोसान में आता है। तो इसीलिए इसकी लाइन में आगे जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि यह उस बल का अनुभव करता है जब एक कण, यानी कि कोई भी कण हो, वह कण कहाँ जाता है, ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से, यानी कि ये एनर्जी फील्ड है, ये आपका एनर्जी फील्ड हो गया, इस माध्यम से चलता है, जिसे हिग्स क्षेत्र कहा जाता है। इस एनर्जी फील्ड को हिग्स फील्ड कहा जाता है, यानी कि यह
हिग्स फील्ड है, और इस हिग्स फील्ड में जब भी कोई कण चलता है तो वह कण जो अपने ऊपर बल लगता है उसका अनुभव करता है, तो उस वही बल जो अनुभव कर रहा है उसी को कहा जाता है कि यह एक बलवाहक उपपरमाणविक कण है, यानी कि परमाणु को लेकर के चलने वाला कण जहाँ से जाता है, मैंने अभी दिखाया, उस कण पर जो बल लगता है वही इसका हिग्स बोसान कहलाता है। और यह हिग्स क्षेत्र में जब जाएगा तो बात आती है, जब यह हिग्स क्षेत्र में कोई भी कण एनर्जी के फील्ड में जाता है तो यह हिग्स के साथ इंट्रैक्शन करता है। इंट्रैक्शन का मतलब वहाँ पर आपस में इनका जब संगठन होता है तो कण का जो मास होता है वो ग्रो करता जाता है। इसीलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, समस्त जो यूनिवर्स है, वो इसी कणों से बने हुए हैं, और ये कण जो है जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात आई तो इलेक्ट्रॉन जब हिग्स फील्ड में जाता है तो वहाँ हिग्स फील्ड के साथ जो कण रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तो जब इंटरेक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा तो वह बल जो है इसी इंट्रैक्शन के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अन्य कणों के साथ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, अब ये अन्य कणों के साथ जाकर के टकराएगा तो जो इस पर भार आएगा वो जो ये भार एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, वो इसी इंट्रैक्शंस के कारण ही होता है, इसी के कारण होता है। तो प्रीलिम्स में ये फ्रेंड्स, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनेगा वो इसी प्रकार बनेगा, सीधा सीधा लिखा जाएगा हिग्स बोसान क्या है, तो आपको जो आंसर देना है केवल इतना देना है कि यह एक प्रकार का बोसान है, दूसरा एक बलवाहक उपपरमाणविक कण है। बलवाहक क्यों कहा जाता है ये हमने बताया कि इसको चलने में यह मदद करता है, जब यह एनर्जी फील्ड में जाता है तो एनर्जी फील्ड में जाते समय उस पर एक बल कार्य करता है जो इसको आगे लेकर के जाता है, और जैसे जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जैसे जैसे यह अन्य कणों के साथ संगठित होता जाता है, इंट्रैक्शन करता जाता है, वैसे वैसे उन कणों में जो मास है, द्रव्यमान है, वह बढ़ता चला जाता है, तो यह उसी बल का अनुभव करने लगता है। अर्थात जब यह एनर्जी फील्ड में जाता है तो जो बल लगता है, जो संगठन से जो बल क्रिएट होता है, उसी फील्ड का ये अनुभव करने लगता है, और इसको हिग्स क्षेत्र कहा जाता है, और समस्त जो यूनिवर्स है इसी कण से बना हुआ है। अब इस पे आगे जो है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च करके क्या निकालते हैं उस पर, हिग्स बोसान पर जो रिसर्च चल रहा है, क्वांटम थ्योरी पर जो रिसर्च चल रही है, वो तो जो भी निकल करके आएगा वो बात की बात है, लेकिन आपको जो अभी प्रीलिम्स के लिए याद करना है वो केवल एक प्रकार का बोसान है और यह बलवाहक उपपरमाणविक कण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए प्रीलिम्स बूस्टर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स, जय हिंद जय भारत।